सीढ़ी जिला में बर्ड फ्लू से हो रही है कौवन के मौत। अब तक लगभग एक दर्जन कौवन के जा चुकी है जान। विंध्य क्षेत्र के ये पहली बघेली न्यूज चैनल में हम कनिष्ठ तिवारी अपना पंचायन का सभी जनन का प्रणाम करी थी और शुरुआत करी थी बेहद बड़ी खबर के कि पूरे मध्य प्रदेश में बर्ड फ्लू के कहर साफ तौर पर दिखाई दे लगे। हालात यह है कि अकेले मध्य प्रदेश में हजारन के तादाद में पक्षियों के मौत के मामला सामने आवा है। वह में तर्जमा सीधी माँ लगभग एक दर्जन कौवन के मौत के मामला सामने आवा है। जौने में अपना पंचायत बताई दी पांच थे सीधी जिला मुख्यालय से महज 15 किलोमीटर दूर बिसुनी टोला माँ पांच कौवन के मौत के मामला सामने आवा है। जौने माँ प्रशासन अब अलर्ट में आवा और दुई कौवन के जो है सिंपल का दुई कौवन के सौ का भोपाल लैब भेजा गया है जाँच खातिर। जौने माँ तीन कौवन का जो है जमीन में दफन कर दिया गया है। वो अपना पंचायत बताई बीते दिन जो है दैनिया माँ दुई कौवन के मौत के मामला सामने आवा रहा और यह में वार्ड नंबर 11 माँ लगभग दुई से तीन कौवा की मौत के हो मामला सामने आवा रहा। तो निश्चित तौर पर एक दर्जन के करीब जो है सीधी माँ कौवन की मौत हो चुकी है और उसके बाद अब प्रशासन जो है हाई अलर्ट में है। जो निकले कि सीधी के कलेक्टर रवीन कुमार चौधरी के द्वारा यह अति आवश्यक बैठक बनाई बैठक जो है बुलाई गई रही। जौने माँ कंट्रोल रूम जो है स्थापित किया गया है। उस मध्य प्रदेश सरकारों के द्वारा दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। जौने माँ बर्ड फ्लू के यदि अंदेशा है तो आवश्यक सावधानी एवं निर्देश जारी किए गए हैं। अपना पंचायत बता दी कि जिला माँ कौवा के मृत हो के यह तीसर घटना है, मतलब तीन चार घटना हो चुकी है। जौने माँ साफ तौर माँ यह बात के उल्लेख किया गया है कि बर्ड फ्लू के आशंका जाहिर की गई है। हालांकि यह साफ तबय हुई जब भोपाल से लैब से यह जांच आए के बाद जो यह पूरी तरह से बात स्पष्ट हुई कि कौवन के मौत बर्ड फ्लू से भई ही या फिर अन्य कौनों बीमारी से मौत हो रही है। अब अपना पंचायत बता दी कि पोल्ट्री फार्मन में बचाव खातिर जो है सावधानी रखने के निर्देश दिए गए हैं। निरीक्षण के दौरान जो है पशु विभाग के उप संचालक डॉक्टर MP गौतम के द्वारा निर्देश दिए गए हैं कि पक्षी माँ का जो है बाड़े में बंद रखा जाए। केवल पोल्ट्री फार्म देखभाल खरे बालन का जो है पक्षीन के पास जाए चाहिए। अनावश्यक लोगन का बाड़ा माँ प्रवेश न दिन जाए। मुर्गा मुर्गी दूसरे पक्षीन का पशुअन से मिले न दे। अपना बच्चे को बताया दी कि पोल्ट्री फार्म के लगातार जो है गहन जो है निरीक्षण हो रहा है। सीधी के जो पशु विभाग के अमला है वह लगातार जो है एमा नज़र बनाए रखे है और यह पूरे मामला में उप संचालक पशु विभाग सीधी डॉक्टर MP गौतम के कहब है कि सीधी जनपद अंतर्गत बिसुनी टोला गांव में पांच कौवा मृत पाए गए हैं। जौने माँ दुई के सैंपल भोपाल लैब भेज दिन गया है और जांच रिपोर्ट आए के बाद जो है बर्ड फ्लू के पुष्टि के बाद सामने आई। तो निश्चित तौर पर यह देखा दिलचस्प हुई कि यह जो भोपाल जांच गई है तो कौवन के लैब से रिपोर्ट। हालांकि यह बात तो स्पष्ट तौर में साफ ही कि मध्य प्रदेश में जो में सिम्टम सामने आ रहे हैं जैसा खंडवा में मौत है, मंदसौर में मौत है, फिर के बाद जो है महाकौशल में यह बात आई, फिर रीवा में मौत के सिलसिला जारी है कौवन के पक्षीन के, वह में अब सीधी मजारू जारी है। तो जहां तक जांच हो चुकी है तो बर्ड फ्लू की पुष्टि हो चुकी है। अब महज एक कागजी और खाना पूर्ति हो औपचारिकता बची है। तो निश्चित तौर पर अब सतर्क और सावधान बेहद जरूरी है। कहे कि केंद्र सरकार के द्वारा ये बात पूरी तरह से स्पष्ट तौर पर कह दी गई ही कि यह इंसानों खातिर जो है बर्ड फ्लू बेहद खतरनाक है। ऐसे आपन और अपने परिवार के बेहद ख्याल रखा। कहे कि कोरोना से अभी हम बचे उबर नहीं पाया है और यदि बर्ड फ्लू जैसा एक गंभीर बीमारी से हम अपना ग्रसित हुए थे तो निश्चित तौर पर यह बेहद दुखद हुई। आपन और अपने परिवार के बहुत ख्याल रखा। धन्यवाद। प्रणाम।